एमडीएफ की टीम ने आज जो है यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे मैडम से हमने मुलाकात की। गुज़िश्ता दिनों हमने दो मरतबा अली अकबर हॉस्पिटल में विजिट की, तो विजिट के दौरान हमने वहाँ से जो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो कुछ हमें वहाँ से जानकारी मिली, उसी के बेस पर आज हम यहाँ पर लेटर लेकर आए थे सपना ठाकरे मैडम के पास। तो हमने उनसे डिमांड की, जैसे वहाँ पर आईसीयू नहीं है, एनआईसीयू नहीं है, तो वहाँ पर सीबीसी टेस्ट नहीं है, इसके अलावा वहाँ पर स्पेशल वार्ड नहीं है। सोनोग्राफी मशीन के ताल्लुक से हमारी बात हुई तो मैडम ने कहा कि सेंक्शन नहीं है, तो हमने ये भी कहा कि सेंक्शन क्या नहीं करवा सकते, वहाँ पर स्टाफ की कमी है। तो मैडम ने हमने वो भी डिमांड की, तो मैडम ने कहा कि वहाँ पर जो है एक आवाम का एक रुझान है कि लेडी डॉक्टर होना चाहिए, और लेडी डॉक्टर जो है फिर रात में ड्यूटी करना पसंद नहीं करती, तो हम जेंट्स डॉक्टर वहाँ पर अपॉइंट करवाते हैं तो लोग जो है उनको कोऑपरेट नहीं करते। और भी बहुत सारी बातें हुई, जैसे जो बच्चों के डॉक्टर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातों पर हमारे चर्चा हुई। तो सपना ठाकरे मैडम ने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि जो कुछ परेशानियां है हमारी, बहुत सारे मुद्दे पर बात हुई लेकिन इतनी सारी डिटेल यहां पर नहीं बता सकते, तो मैडम ने हमको ये यकीन दिलाया है कि जो कुछ आपकी डिमांड है हम ये पूरी करने की कोशिश करेंगे। और एक ये भी गुजारिश की है कि आवाम जो है वहाँ के डॉक्टर्स को कोऑपरेट करें, अगर कॉरपोरेशन की जानिब से, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से वहाँ पर जो है जेंट्स डॉक्टर हायर किए जाते हैं तो आप उन्हें कोऑपरेट करें। मैडम का कहना है डॉक्टर होते हैं बिल्कुल, अगर ये हमारी मजबूरी है, अगर हमारे पास लेडी डॉक्टर नहीं है और कॉरपोरेशन अगर वहाँ पर जेंट्स डॉक्टर हायर करिए तो आप उन्हें बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए। इसके अलावा वहाँ पर जो वॉचमैन और जो हेल्प डेस्क और कैबिन का जो मसला था वो भी मैडम ने कहा कि ये भी हम हल करने की पूरी कोशिश मेडिकल ऑफिसर हो आपको पता है यार, मोटा मोटी बजट शहर के अंदर, अब जैसा आप बता रहे हो कि यार मेरे को बजट आपको बजट स्थापना से वहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन क्या आपके इन्फॉर्म में भी वो चीज नहीं है कि आपके शहर में इतना हेल्थ को लिए कॉर्पोरेशन इतना सीरियस है कि 2%, 3%, 4% शहर वालों के लिए खर्चा करती है, तो फिर उस चीज में इतने इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से शहर में इतनी ज्यादा इतना अली अकबर जो हॉस्पिटल है जो इतना खस्ता हाली में मैडम, आज उसकी आप जाके सिचुएशन देखो, आप विजिट करते हो शायद बट आप अपनी नजर से देखते होगे, ठीक है, आप उस गरीब की नजर से देखो जो उसको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। हम लोग पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता को हम लोग प्रोवाइड करेंगे सारी चीजों की, हम लोग पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी पॉपुलेशन आबादी इतनी है कि हर एक को हम लोग ये चीजें नहीं कभी कभी प्रोवाइड कर सकते। जैसे कि लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन में बहुत सारे मेडिसिन के लिए भी हम लोगों को दिक्कत हो गई, मेडिसिन सप्लाई वहां तक नहीं हो रहा था, फिर भी हम लोगों ने लोकल परचेस करके वहां तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर एक आधा पेशेंट को कहीं ना कहीं एक आधा दूसरी चीज अगर हॉस्पिटल वाले लिख के देते तो उसका इश्यू सोनोग्राफी मशीन है, मशीन वहाँ पे नहीं है, हम लोग बोले ही नहीं कभी उसके लिए अप्रूवल आया था, वहाँ पे मशीन है ही नहीं, ना कभी था ना कभी आएगा, क्योंकि अपने पास वो सोनोग्राफी की पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है, जो पोस्ट है वो, इसलिए आपका जो वीडियो मैंने देखा उसमें आप लोगों ने बताया गया है कि सोनोग्राफी मशीन है लेकिन यहाँ पे चलाने वाला नहीं है, तो ना कि वहाँ पे सोनोग्राफी मशीन ही है, तो हम लोग ये बिना पूछे आप लोग वहाँ पे बता रहे हैं। दूसरी बात रही एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन वहाँ पे चालू भी है, एक्सरे मशीन है वहाँ पे लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन अभी पॉजिटिव आया हुआ है और इसलिए वो घर पे है, तो पॉजिटिव व्यक्ति तो उन्हें चला रहा है, दो अपने पास है एक्सरे टेक्नीशियन की, कोविड में काम कर रहा है, दूसरा वो भी बीमार था, दोनों को एक का एचआरसी भी पॉजिटिव था, एक डायरेक्ट कोविड पॉजिटिव था, वो दोनों लोग अपने पास अभी अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग दोनों को भी नहीं लगा सकते, तो उनकी वजह से 10 लोग और बीमार पड़ेंगे, 10 लोग कोविड हो सकते, इसलिए वो बंद था, लेकिन अभी उनका कोविड का जो पीरियड है वापिस आते हैं। हम लोगों ने अली अकबर हॉस्पिटल का विजिट किया था और काफ़ी सारे वहाँ के लोकल प्रॉब्लम थी जो
वहाँ के जो लोकल लोग थे तो उन्होंने हम लोगों को वहाँ की जो प्रॉब्लम थे वो बताई हम लोगों को, तो उसके बिहार से आज हम लोगों की सपना ठाकरे जो है शहर की हेल्थ ऑफिसर, उसके साथ हम लोगों की मीटिंग थी और हमें आगे कुछ डिमांड्स थे जिस तरह से कि वहाँ पर ICU अवेलेबल नहीं है, NICU अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर CBC जो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, छोटा सा टेस्ट होता है, तो वो वहाँ पर उसकी भी वो सोनोग्राफी नहीं है, वो CBC टेस्ट मशीन जो है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने उनसे डिमांड की है कि वही वहाँ पर CBC भी वहाँ पर उसके टेस्ट भी कॉर्पोरेशन जो अवेलेबल कराए। जिसका दिन हमने अली अकबर की विजिट करने के बाद जो है वहाँ से सारी जो भी मालूम हमको मिली है, जो एक आवाम को जो पेशेंट को वहाँ पे तकलीफ होती है वो लेकर हम यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर जो है मैं अपना सपना ठाकरे जी के पास आए, हमने वहाँ पर लेटर दिया और लेटर में हमने बताया कि वहाँ पर ICU NICU और CBC टेस्ट वगैरह वहाँ पर नहीं हो रहे, वहाँ पर पीडियाट्रिक डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर ENT डॉक्टर्स नहीं है और जो दवा वहाँ पर होना चाहिए वो बहुत सारी दवाएं वहाँ पर है भी नहीं, जहाँ पर वॉचमैन वगैरह, तो सारी डिमांड हम लोगों ने यहाँ पर सपना ठाकरे जी से की, उनने हमको ये बात का यकीन दिलाया है कि हम ये काम को जो है पूरी तरीके से करेंगे और इसके अंदर आवाम ने भी उनका साथ देना चाहिए, अगर कोई डॉक्टर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करता तो उसके अगेंस्ट बोलिए, लेकिन कोई डॉक्टर अगर सही तरीके से काम करता है तो उसको कोऑपरेट कीजिए।